शुक्र है जी, हम भी आईफोन 14 15 प्रो मैक्स में आए, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग जो हमारा जनाब बन रहा है ना, बड़ी खुशी हो रही है मुझे, आईफोन 15 प्रो मैक्स पे बन रहा है और मुझे यकीन है इस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे भाई, क्योंकि सब लोग कहते हैं यार मोबाइल की वजह से व्यूज़ आते हैं, जबकि मेरा तो मानना नहीं है। हर व्यूज़ तो वीडियो की वजह से आते हैं, लेकिन देख लेते हैं भाई, खर्चा कर लिया 1500 पाउंड तो देखते हैं इससे व्यू आते कि नहीं आते। पहला व्लॉग बना रहा हूँ, सो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कैमरे की सेटिंग इधर उधर हो सकती है, जब तक समझ चलती गाइस। ठीक है जी, अभी जो है वो जुनेद साहब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और जुनेद साहब को बोला मैंने गाड़ी को थोड़ा रिवर्स करें। आज हम जा रहे हैं यार मोल्ट शेवल, रिजवान साहब भी आ चुके हैं, उन्होंने गाड़ी वहाँ पे पार्क की है और कुछ वहाँ से टूल निकाल के इधर रख रहे हैं, क्योंकि माल्ट शेवल जो हमने लिया था बिजनेस प्रॉपर्टी उसमें थोड़ा सा करना है काम और कुछ पुराना प्लान। हाँ जी जुनेद साहब, आईफोन 15 प्रो मैक्स में आ रहे हैं आप, हाथ ला दें, आईफोन 15 प्रो मैक्स में आ रहे हैं, रिजवान साहब हाथ ला दो। शुक्र है जी, हम भी आईफोन 15 प्रो मैक्स में आए हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है, हाथ ला दें जैसा एक दफा फिर हाथ ला दें। 15 प्रो मैक्स में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आपको अच्छा? मैं तो लकी फील कर रहा हूं, खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये गाइस हमने ले लिया है यार, कैंपिंग का सारा सामान हमारे पास तो था, इन लड़कों का ले लिया, बहुत जल्द हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग करने, टूल्स वगैरह रखे जा रहे हैं। बिलाल साहब जल्दी तो जल्दी, आपको 15 प्रो मैक्स में आकर कैसा लग रहा है? हमारे को दो नहीं है जी। अच्छा, कैसे लग रहे यार? बेहतरीन। दो किधर है? सच्ची बात कौन से, कभी आपने देखे 15 प्रो मैक्स? लुक एंड कलर नहीं जी, अमेजिंग है जी। यार इतने खूबसूरत आप हैं नहीं जितने लग रहे, देखें। नहीं मैं खूबसूरत। सो गाइस, आप लोगों ने बताना यार वीडियो रिजल्ट में थोड़ा फर्क आया कि नहीं आया। अभी चलते हैं सीधा मोल्ट शेवल, रास्ते में कुछ एक बहुत खूबसूरत शहर है वो भी आपको दिखाएंगे, वहाँ भी थोड़ी फोटो लेंगे। आज का व्लॉग होगा टोटल हमारा मोल्ट शेवल का, जो प्लान है वहाँ पे क्या काम करना है, क्या रेनोवेशन करना है, एक नई चीज दिखाएंगे आज, जुड़े रहना व्लॉग में, आपको एक नई चीज दिखाएंगे, आपने वो कभी देखी नहीं होगी जिंदगी। वो तो दिखा दिए 15 प्रो मैक्स भाई, 15 प्रो मैक्स तो दिखा दिए पहले ही, सरप्राइज है कोई? चलें गाइस स्टे ट्यून, चलते हैं सीधे मोल्ट शेवल और रास्ते कुछ सीन्स आपको दिखाते हैं, बाकी गप्पे होती हैं मोल्ट शेवल में जाके। जनाब सीन बड़ा फिट सी हो, फिल्मी सीन तो लाई सी नहीं सामने का नजर। सो गाइस यार हम लोग जा रहे थे बेसिकली मोल्ट शेवल और रास्ते में ये एक टाउन आया बड़ा खूबसूरत। पहले तो ये दरख्त देखे ना आप लोग, ये देखे कितना बड़ा और प्यारा दरख्त है, और अभी जो है वो हमने देखा एक कैसल, तो हमने कहा यार कैसल का थोड़ा सा विजिट करते हैं। और ये जनाब की बड़ी अजीब सी ये वाली इमारत है ना, बहुत ही अजीब सी, बहुत अच्छा गार्डन है, परिंदे माशाल्लाह देखे, वो देखे फुल नेचर है यार, सही नेचर बचाई भी नहीं, परिंदे तक ने परिंदे ने आवाज सकी है, ये क्या हुआ जी ये है? सो ये गाइस आई थिंक कोई इमारत हुई है किसी दौर में ना, ये बेसिकली इधर है, ये देखे यार ये गिरा हुआ है, आई थिंक टूटा हुआ है, ये कोई टूटी हुई अब बाड़े थे बहुत पुराने दौर की ना, ये देखें इसको थोड़ा, ये देखें ये टूटी हुई है ना, एक साइड पे लफी हुई है, ये देखें भाई खौफ आता है यार इसे देख के, खौफ आता है इसे देख के, मतलब रिस्क नहीं है ये हैं, ये रिस्क नहीं है हैं, ये देखें तो कुतड़ा पुर तकने से जड़ा, ये देखें यार ये पीछे कोई इमारत है गिरी हुई है ना, ये गिरी हुई लग रही है, ऐसे दीवारें इसके ना एक साइड पे हैं, और मुझे तो नीचे गया हूँ मुझे तो खौफ आ गया, मुझे डर लगने लगा था, मैंने कहा यार कहीं ऊपर गिर जाए खुदा ना खास्ता। रन्स एंड ग्राउंड्स वर गिवन टू द कॉर्पोरेशन, अच्छा जी ठीक हो गया, ये पीछे वो इमारत थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, व्यू लेंगे सिटी का, आपको व्यू करवाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मोल्ट शेवल। हाँ जी परिंदे ने आवाज़ सुन के कैसी लग रहा है? बहुत आला, बहुत लग रहा है। हाँ ये देखें बोट बनाई हुई यार, हाँ 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 बोट, जिन्हें साहब बोट सफर करना ना,
अच्छी अच्छी डेकोर है जी, हैं बहुत खूबसूरत है जी। हाँ जी, ये देखें कैसा जबरदस्त है ना ये, ये ब्रिज से जाना अच्छा बड़ा जबरदस्त किस्म। अच्छा ये ओरिजिनल उसी वन विश वंस कॉइन। अच्छा वन विश वंस कॉइन, अरे कॉइन फेंकने इधर ठिप्पे सट्टो इधर वेल सा बनाया हुआ है ना, है ना। और ये देखिए थोड़ा सा छोटा सा पुल बनाया हुआ है, और ये देखें इधर पानी है नहीं आ रहा भाई, एक लेक आ रही है छोटी सी। यह बंदा खलते है ना फौजी। हाँ जी बिलाल जी कुछ लियो। ये गाइस अभी जो है वो रिवीलिंग सीन आ गया है, वाह ये है वो टाउन जनाब। इस टाउन का नाम तो नहीं पता पर क्या है, ये टाउन बहुत खूबसूरत है। रिवर का आई थिंक रिवर ना उस साइड पर व्यू है, सीजा रिवर ना भी उस साइड पर अच्छो। ये देखें यार ये सीन देखें, वाह जुनेद साहब मजा आया है। नहीं मैं तो इसे मुड़ते चलिया, तुम जुड़े हो सारे मुड़ते हैं। ये देखें यार ये जुनेद साहब इधर देखें, इधर सच बताएं यार मजा आया, प्यारी जगह मजा क्यों नहीं आया है ना। ये देखे कितना प्यारा यार, ये देखे वाह हाँ जी रिजवान साहब मजा आ गया, मजा आ गया ना बहुत टॉप क्लास जबरदस्त स्वाद आ गया, स्वाद आ गया ना। हाँ 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 ये सीन बहुत प्यारा है, हैं पता नहीं फिक्स करने पे आले रिपेयर करने पे पुराना सुना। इधर सुन जी लाल साहब, सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से घूम फिर के यार जाने लगे हैं असल प्रोजेक्ट में, जहाँ पे हमने जाके प्लान बनाना है मॉल्ट शेवर में। और फिर तकरीबन 25-26 को हमारा एक और जवान आ रहा है पाकिस्तान से, उसको रिसीव करके फिर हमने सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। तो जहाँ पे हमने अगले 2 साल गुजारने, ये जो जगह है उससे तकरीबन 12 मिनट दूर है। बिलाल साहब इधर आया करेंगे इंशाल्लाह, संडे को जब छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह इधर घूमने फिरने आया करेंगे, व्लॉग्स भी आएंगी। और ये देखें यार ये कंध देखें, दीवार देखो बिलाल साहब, ये दीवार तक और माशाल्लाह कितनी पुरानी दीवार है ना, बिन जगह जगह भी आपको लगी नजर आएंगे। देखें लोग इधर वॉक शो कर रहे हैं, हम भी वॉक कर रहे हैं। हाँ जी मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। शेरा पुत्र दूध पत्तियां, दूध पत्तियां मंगवाए। फिर भी हम लोग जाएंगे चर्च में, और चर्च से हो के फिर हम लोग बुला सब, पहले चर्च गए होगा दसो है जाना चलो चर्च है जी। हाँ इधर से चलेंगे अंदर चर्च अगर खुले हुआ था। ये देखो जी चर्च, वाह ये देखो रिजवान साहब, वैसे इन्होंने करियर की दात देनी पी ना, है ना। इन इमारतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं बिलाल साहब, इन इमारतों तुम अंदाजा लाई सकने हो कि कितनी इन्हों को एडवांस टेक्नोलॉजी हुई उसी को, ठीक है आज है ना। और साथ साथ आपको प्रॉपर्टी का विजिट भी करवाएंगे। अभी तकरीबन थोड़ी देर तक पहुंचते हैं, आपको व्यू करवाते हैं। पहले है आपने मॉल शेवर देख लिया होगा अंदर बाहर से, तो थोड़ा आज भी व्यू करवाएंगे जो नए लोग आए उनको उनको दिखाने के लिए। सो फाइनली गाइज हम अपनी प्रॉपर्टी के पास पहुंच आए हैं, ये है जी हमारी प्रॉपर्टी मॉल्ट शवल। वो पब दूर बसा है, वो भी दसा बने मैं उधर भी चलना सी पब वाले बसा, चलो कौन। ये है जी दी मॉल्ट शवल, उसमें आते दसो ना दी मॉल्ट शवल। ये लिया हमने, ये पहले पब था और अभी हमने लेके इसको तब करना है तब। ये सामने देखें जी, वाह अच्छा है, सीन है इस प्रॉपर्टी का ना, सीन आया लेकिन इस पर इन्वेस्टमेंट काफी है ना हमारी। मजे की बात बताओ आपको, सिर्फ सीन ही है अभी फिलहाल, अब इसी जब तक तो पैसे लगते जने साहब अब भाई नाम बंदे टाइम लगेगा। तो
ये गाइस व्यू देखे, व्यू दिखाओ जी, व्यू दिखाओ इधर, फिर सारा ड्राइव दसो सारी, कितनी बड़ी सारी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, ओ दूर दूर तक सारी हमारी जगह है, बहुत दरख्तों तक हमारी जगह, जो दरख्त नजर आ रहे हैं ये वहां तक हमारी जगह है, सारी लैंड हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना हमारी प्रॉपर्टी का जो साइड एंट्रेंस है ना, एक जो ऊपर फ्लैट्स में जाता है, इसका अंदर से कुछ मसला था तो वो फिक्स किया, अभी अभी अंदर जो सारा फ्लैट है पूछ तक सर क्या कुछ करना पड़ा। सो दिस वन, ये जो लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि ये जो लैंड है हमारी वो वहाँ से शुरू होती है, ये वाली सारी एरिया हमारा है, और यहाँ पे हमें ना परमिशन मिली हुई है इधर वहाँ से लेके इधर, तीन स्टोरीज के साथ हमने बनाना है, तीन स्टोरी का एक घर बनाना, ठीक है जी। ये नीचे से एंट्रेंस है इसकी, और सबसे जो फेवरेट प्लेस है मेरी जहाँ पे ज़्यादा व्लॉग्स बनाएंगे वो तो आपने देख ही लिए है, शादी हॉल बना हुआ था, ये भी उसी के साथ अटैच है, ये सब तोड़ना है हमने, नया बनाना है, और ये चिलर है चूँकि एक वो कहते हैं ना कि क्या यार इवेंट के लिए जगह ये बनाई गई थी, ये पीछे देखें इसके, ये जो मेरी फेवरेट जगह है ये लोकेशन, तो यहाँ पे इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो ये गर्मियाँ यहीं पर गुजारेंगे और यहाँ पे बैठेंगे, बारबेक्यू भी करेंगे इंशाल्लाह, चाय खाना पीना इधर ही होगा इस डेकिंग पे, और जो हमारी एकोमोडेशन होगी वो उस वाले फ्लैट में होगी ऊपर वाला, वो मुझे पसंद है, अभी उधर चलते हैं ऊपर और वहाँ पे लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे काम शुरू करना है, अभी फिलहाल यहाँ पे मूव ही होने के लिए, एक दफ़ा यहाँ पे आगे मूव हो गए फिर उसके बाद बाकी जो काम है साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है ये हमने शुरू करनी है समर में, ताकि हमारे पास और टीम के लोग भी पाकिस्तान से आ रहे हैं जो प्रॉपर कारीगर की भी है, और जब ये 8-10 बंदों की टीम होगी तो तभी जाके ये बिल्डिंग खड़ी होगी इंशाल्लाह। फिर हमारे पास जो ये प्लान प्लाट है, ये वाली जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्लैम्पिंग पार्ट्स के लिए हमारे पास परमिशन है, 12 ग्लैम्पिंग पार्ट हमने बनाने हैं यहाँ पे, वो भी बनाने हैं, ये सारा एरिया हमने पार्किंग के लिए, वो वहाँ से लेके सारा एरिया पार्किंग के लिए छोड़ना है हमने, ये वाला सारा एक 2-बेडरूम अपार्टमेंट बनाना है अलग से, इसका एंट्रेंस इधर से करेंगे, बिल्कुल ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी अंदर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या कुछ हमने इसका करना है। कुछ रहो है? हैं? कुछ? से गाइस हम लोग आ चुके हैं, इधर हमने शिफ्ट होना है ना, ये ऊपर टॉप वाला फ्लैट है वो सामने देखे हैं वहां पे, ये हमारा किचन होगा, ये हमारी बात होगी, बहुत बड़ी बात है, इसको हमने ना सेट करना है, पहले इसको रिफर्ब करना पड़ेगा, सारी उतार के नई बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात है, वैसे देखें ना ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ से वो डेकिंग वाला व्यू आपको नजर आ रहा है, इसका डिजाइन देखो सर, बाले हरे पे ना सारा है, रीसेट करना बस ये सारा टूटे बचे सारा। अच्छा तो लिस्ट बनी है, ये हमारा किचन होगा जैसे हथ सौ रोटी पका सो, ठीक है बढ़िया समझो, कड़े कमरे से सो मैं तो ऐसे नीचे तो इधर सोना पड़ेगा यार, ये कुर्सियां चलो ठीक है छोड़ी, ठीक है ये देखें, आप बताएं किस रूम में यार मेरा ने सही, मैं जाना इस रूम में टिका रहा मैं रखसा, आहो अच्छा ना सही गल है। सो ये है बाहर वाला सीन, ये है एक और रूम, ये देखें अलमारी भी इधर है, इधर ये भी है देखो शेरा, शेरा यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है शेरा, चलो जाओ जी चलने। हाँ जी बिलाल साहब, नई रिहाइश कैसी लग रही है आपको? बेहतरीन रिहाइश, आज गांव में आ गए, यूपी गांव में, इधर जो नया प्रोजेक्ट है इस पे आए हम, अपनी रिहाइश सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और व्यू भी बहुत प्यारा है और बहुत मजे का मोला, चाबी हमारे पास आ चुकी है हमारी रिहाइश की, लोगों को दिखाएंगे बाहर कैसा व्यू है, सुबह सुबह उठ के यहाँ पे अंगड़ाई लेना और ये व्यू देखना, हाँ जी अपना ही मजा होगा। जनेश साहब नई रिहाइश पे आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये आपको बाले हाले देख के पाकिस्तान याद आया कुछ? अच्छा है, बिलाल साहब
बहुत जबरदस्त है जी। लेकिन वो रेनोवेशन हो सारी, ये देखें गाइस व्यू देखें, इसको रहने के काम ये बेड है और ये बेड से व्यू आएगा जब हम सारा कुछ नया लगाएंगे। अभी बिफोर और आफ्टर की बनाएंगे, ये देखें यहाँ से वो व्यू आएगा भाई, ठीक है। ये विंडो साफ करेंगे और ये व्यू होगा जबरदस्त किस्म का। अभी अगले रूम में चलते हैं, आ जाओ गाइस आ जाओ। सो ये होगा हमारा इधर किचन होगा, किचन के साथ ही हमारा लिविंग एरिया होगा, यहाँ पे टीवी भी लगाएंगे हम, एक बेडरूम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। ये फिलहाल जब तक हम इस प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी के लिए तैयार करते हैं, ठीक है जी। ये फ्रंट तो आपने देख ही लिया है, ये है इसका सारा फ्रंट, वो गाड़ी खड़ी है हमारी, ये इसका फ्रंट है, ठीक है जी। तो इसको बेसिकली हम जो है वो एयरबीएनबी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जब तक तैयार करते हैं तब तक हम लोग यहीं पे ही रहेंगे। हाँ जी बिलाल साहब, अभी चलते हैं दूसरे कमरे में और वो देखिए, देखिए बाले ये लिंटल उस डोर के पुराने पड़े हुए। ये कमरा भी है तीसरा बेडरूम, ये नीचे वाला जो फ्लैट है ये तीन बेडरूम है, ठीक है। और ये इस पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी ना, इस पे काफी मेहनत करनी पड़ी किया। अच्छा ये भी व्यू देखें यहाँ से आप, ये भी देखें ये फ्लोर जो है मुझे लग रहा है डाउटी लग रहा है ये फ्लोर, इसको देखना पड़ेगा क्या सीन है इसके साथ। ये पेंट्री है, पेंट्री पड़ा हुआ है, शावर पड़ा हुआ है, अभी देखते हैं क्या सीन है भाई। चलो निकलो जी, चूहे छुए भी आते हैं, टूटे हुए। और ये इसका बाथरूम है भाई, ये बाथरूम है इसका। चलो सो ये हम लोग जा रहे हैं वापस, और ये सारी कारपेट चेंज करनी पड़ेगी भाई, गली की सारी कारपेट। ये वाला डोर हमने सील किया, ठीक है, क्योंकि ये टूटा हुआ था। ये वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ, ये ले आ गए बाहर हम लोग, लाइट ऑन आंदी हो। सो ये भी गाइस हम लोग आए यार, बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे ना, और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा टाउन है, हॉलीडे स्पेस है ये प्लेस है। हम लोग भी आए इधर घूमने के लिए। हाँ जी लड़को, अबे लड़को क्या कर रहे हो, ये देखे ना यार, हाँ जी बिलाल साहब कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, जुके घूम रहे हो जानवर इतना भी जबा होने हाँ जी, ये होता है माइंड सेट जो हमारे लोगों की जरूरत है। जिनेद साहब अच्छा ये जगू एटनी नहर ते इस नहर च क्या फर्क है, बिलाल साहब दस्सो तुसी दस्सो। मुर्गियां ने फम कोनी ते अच्छा ओजरिया कोनी आंदरा कोनी गंद कोनी छापर कोनी के क्यों उत्ता सब बंदे भी छापर असा भी छापर ही बड़ी हो जांदा छापर दा मुल्क भी छापर बन छापर ऐसा एक पुल भी है पाकिस्तान च है बिलाल साहब। गाइज हम लोग कर रहे हैं इंजॉय, साथ साथ आपको करवा रहे हैं इंजॉय, और 15 प्रो मैक्स में बन रहा है ये व्लॉग। मेक श्योर आपने पूरा देखना है, शेयर करना है, लाइक मारना है, कमेंट ठोकना है भाई जान, ठीक है जी। सिनेमैटिक क्या होना है, वो क्या होनी है ये गाइज। अभी हम लोग घूमने के बाद जा रहे हैं, बड़ा अच्छा रहा है कुछ है इधर भी दो मोरिया आया, हाँ वो तो दो मोरी, दो मोरे ने जिने साहब कैसा लग रहा है टाउन। मैंने लोगों को बोला था मैं आपको नई चीज दिखाऊंगा, वो ये दो, दो मोरिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मोरिया पुल और दुनिया में सिर्फ दो जगह पे है, या लाहौर में या इधर यूके में। अच्छा काफी खूबसूरत टाउन है वैसे ये ना, और हमने गाड़ी खड़ी की है, 30 मिनट अलाउड है, तो अभी हमें हो चुके हैं तकरीबन, इसलिए हम जा रहे हैं वापस। ये देखिए ना स्वीट की शॉप, ये डिजर्ट शॉप है ना, लिटिल डिजर्ट शॉप, टेस्को की बिल्डिंग देखें यार। सो पुरानी पुरानी, ये देखिए पुराने स्टाइल में, ये पायुर का अपने ने अंदर जी, पायुर का अपने लगे रहे,
भाई रुको अपने लगे ने। ये देखे कबूतर माशाल्लाह बस स्टॉप पे खड़े। ये अंदरूने लो रहे जी, ये अंदरूने लो रहे।